सर मम्मी और मैं दोनों बीमार हैं, खाना कौन बनाए इस बात पर भी लड़ाई होती है। काम वाली वो लोग रखते नहीं हैं और मेरे पास नौकरी नहीं है, इस बात से मम्मी बीमार हो रही है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और उनको कोई लड़का बता देता है तो फिर लड़ाई करती हैं क्योंकि मैं तैयार नहीं हो रही। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप तैयार हो क्यों नहीं रही। अगर कोई लड़का बता देता है तो आपको शादी से डर लगता है कि दिक्कत क्या है, क्योंकि आपकी जो फैमिली में जो ज़्यादातर लड़ाई है वो है ही इसी बात की कि आप शादी करके दूसरे जो भी आपका अपना घर है आप अपने ससुराल जाओ शादी करके। आप नहीं कर रहे हो, आप बोलते हो कि मैं बीमार हूँ, लेकिन जब लड़के को कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे मैरिज करने में सपोज़, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप उसको बोल सकते हो ना, आप अपने पेरेंट्स को साफ बोल दो कि देखो शादी मैं कर लूँगी लेकिन मैं ये चीज़ छिपाऊंगी नहीं कि मेरी तबीयत की या मेरी बीमारी की जो स्थिति है वो नहीं मैं छिपाऊंगी। अगर आपको ये बात मंजूर हो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। और जन्म पत्री मिलवाओ, और जन्म पत्री मिलती है तो कर लो शादी, इसमें दिक्कत क्या है? शादी कभी ना कभी तो करनी है ना, और शादी करनी भी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि माँ बाप कब तक साथ हैं, भाई बहन कब तक साथ देते हैं? वो तो अपनी फैमिली में शादी हो जाएगी तो अपनी फैमिली में चले जाएंगे। और ये जो इंटरनेट के यार दोस्त हैं इनके ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कोई दोस्त थोड़ी होते हैं, इन्हें तो टाइम पास करना है, किसी दिन छोटी सी बात पर लड़ाई होगी तो छोड़ देंगे। शादी तो ज़रूरी है, अब शादी कर क्यों नहीं रहे हो? और अगर आप बोलते हो कि मेरी सेहत ख़राब है तो फिर सेहत पर क्यों नहीं ध्यान देते हो आप? आपकी इतने लंबे समय से तबीयत ख़राब है आप बोलते हो, तो आपका ध्यान कहाँ पर है? आपने एक मैसेज और करा था, उसमें आप बोल रहे थे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, और एक दिन उनमें से कोई बीमार पड़ जाता है। ये बात आप अपनी ही कर रहे हो कि आप बीमार पड़ गए, और फिर अगले को बताता है कि वह खाना नहीं खा पा रहा, मतलब आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि खाना नहीं खा पा रहे, और दूसरे दिन वह उसका दोस्त उसे ठीक समझ लेता है, मतलब अपने आप ही बिना कुछ पूछे ही कि वह ठीक हो गया, कि वह ठीक हो गया बिना पूछे, कोई कैसे किसी को ठीक समझ लेता है कोई और कहता था प्रेम है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप इतनी मासूम हो क्या, मतलब कोई प्रेम के नाम पर कोई भी आपको ठग जाता है क्या? अच्छा, इसका मतलब उतना भी नहीं था उसे, अभी लोगों को पूरा प्रेम करना नहीं आया। लोग प्रेम नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। प्रेम में तो अपने आप सब याद रहता है, बिल्कुल सही बात है, प्यार में सब याद रहता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने दुनिया नहीं देखी है, आप घर से ही नहीं निकले हो शायद, इतना बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा है आपके पेरेंट्स ने, कभी आपको खुलने ही नहीं दिया ये। और ये दिक्कत आपके साथ नहीं है, ये ज़्यादातर औरतों की दिक्कत यही है। मैंने तो लड़कों में भी बहुत दिक्कत देखी है, उनकी जो फैमिली होती है इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि बचपन में कुछ करने नहीं देते हैं, और फिर जब जवानी आती है तो कुछ करने लायक रहता ही नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत दिक्कत होती है। और ये जो आप बातें करते हो मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता, कि कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि आपकी सोच जिस तरीके की आप बातें करते हो, कि प्रेम की बातें करते हो, मतलब कभी कभी लगता है कि आपकी जो इमोशंस हैं कितनी प्योरिटी भरे हैं, क्या आप जैसे आप जो प्यार के बारे में सोचते हो वो कितना शुद्धता के साथ सोचते हो, कितनी शुद्ध है आपकी सोच, लेकिन आप गलत लोगों से प्यार कर बैठते हो। आपके साथ कोई प्यार से बात कर ले आप ऐसा समझ लेते हो कि वो तो प्यार ही करने लग गया आपसे। आप खेल और प्यार में फ़र्क नहीं समझते कि लड़के कैसे खेलते हैं, खेलती लड़कियाँ भी हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन आपके आपके संबंध में बात करें तो लड़के आपके साथ खेल जाते हैं। देखिए वही ये भी एक चीज़ है, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ ये लड़का इंटरनेट से ही होगा, और ऐसे लड़कों के चक्कर में ही तुम पड़े हुए हो, इस वजह से तुम शादी के लिए रेडी हो ही नहीं पा रहे, ना ही अपनी सेहत पे ध्यान दे पा रहे हो। इतने साल हो गए आपकी सेहत खराब होते हुए, खराब रहते हैं, आपने कभी ठीक ही नहीं करी। कौन सी बीमारी है ऐसी जो ठीक नहीं हो सकती 5-6 साल में, अगर व्यक्ति चाहे उस पर फोकस करे, बुरी से बुरी बीमारी तक ठीक हो जाती है। थोड़ा सा खुराक पर ध्यान दे, थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान दे, योगा करे, प्राणायाम करे, कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है? लेकिन अगर कोई ध्यान ना दे तो फिर बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी? फिर तो ठीक नहीं हो सकती ना। और ज़्यादातर लोगों ने यही कर रखा है, ये जब से मतलब ये जो इंटरनेट पे चैटिंग का स्टार्ट हुआ है लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं, लड़कों का बुरा हाल है, लड़कियों का बुरा हाल है, बस लगे रहेंगे और इसी चक्कर में वो अपनी रियल में शादी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो जो इंटरनेट का जो मेरा फ्रेंड है वो उसके साथ अभी बात चल रही है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, और वो जो होता है उसके फ्रेंड के 10 फ्रेंड और होते हैं, वो 10 के साथ और रिलेशन में होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बुरा हाल है लोगों का। और इस चक्कर में लोगों ने अपने करियर तक बर्बाद कर दिए। बहुत लड़कों को जानता हूँ मैं जो बस सुबह उठते हैं और इंटरनेट पे चैटिंग करने लग जाएंगे, और बस फिर जब वो थक जाते हैं तब वो सोते हैं, सारा दिन वो यही काम करते हैं। बहुत लंबे लंबे समय तक लोग इंटरनेट पे लगे रहते हैं, अनजान लोगों के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे पागलों की तरह, और ये पता है उनको कि शादी नहीं करनी है लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं टाइम पास। आप अगर देखोगे किसी से बात करोगे, मैंने तो लोगों को सुना है बात करते, लोग बात करते हैं और कहते हैं कि यार इंटरनेट पे चले जाते हैं चैटिंग करते हैं टाइम का पता नहीं चलता, बिल्कुल सही बात, टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन टाइम का क्यों नहीं पता चलता? क्यों क्यों इंटरनेट पे जाते हैं, क्यों खुद को गवा देना चाहते हैं, क्यों खुद को लॉस्ट कर देना चाहते हैं, किस चीज़ से भाग रहे हैं? भाग इस चीज़ से रहे हैं ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है इन लोगों के, तो उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद टाइम ख़राब चल रहा है तो किसी ज्योतिषी ने बोल दिया होगा कि 1-2 साल तुम्हारे ख़राब हैं, तो लोगों को लगता है चलो अब 1-2 साल बाद ही कोशिश करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे भी वक्त बर्बाद करते अपना, किसी ज्योतिषी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि ये हमारा टाइम ख़राब चल रहा है कब तक है, तो कहने वो कह देते हैं 1.5-2 साल अभी और है, तो ये लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, इनको तो बहाना मिल गया, 1.5-2 साल अब 1.5-2 साल बाद ही मेहनत करेंगे, जो कुछ करना है, जो भी इंटरव्यू वगैरह हो गया है जो भी है वो 1.5-2 साल बाद देखेंगे, तब तक हम चैटिंग करेंगे। और चैटिंग करने के लिए तो इतने सारे ऐप्स हैं, अब तो इतनी लड़कियाँ मिल जाती हैं, इतने लड़के, लड़के तो पहले भी मिलते थे, अब तो लड़कियाँ भी खूब मिलती हैं बात करने के लिए,
पूरी ओपन कॉन्वर्सेशन होती है, कोई अब किसी को किसी भी किस्म की झिझक नहीं होती, कैसी भी बात कर लो। ये नशा है ये तो, चैटिंग इतना ज़बरदस्त नशा, लोग रियलाइज़ नहीं करते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप समझो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं कितनी वीडियोस बनाई हैं, मैं उन वीडियोस में एक ही बात को बार बार कहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप रियलाइज़ करो, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। और आपके माध्यम से, और आप ये जो मैसेजेस करते हो, तो मैं उन मैसेजेस पे वीडियोस ऑडियोज़ बना देता हूँ ये, क्योंकि आपकी जो समस्या है बहुत लोगों की समस्या है, बहुत लोग इसी समस्या से गुजरते हैं, तो एक मुझे मौका मिल जाता है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का। वो अलग बात है कि इतने लोग सुनते नहीं हैं मेरे को, लेकिन वो कोई बात नहीं, जितने भी लोग सुनते हैं एटलीस्ट उन्हें पता तो चलता है कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाइयाँ चलती हैं, आप शांति से बैठो अपने पेरेंट्स के साथ। पहली बात तो आप अपने ऊपर काम करो। मैं जब कहता हूँ अपने ऊपर काम करो, तो मेरे आपको शायद समझ नहीं आता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ सिंपल भाषा में, अपने पेशेंस के ऊपर काम करो, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो, दूसरे को समझो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का भी बुरा टाइम चल रहा हो, उनके भी ग्रहों की दशा खराब चल रही हो, तुम्हारी भी चल रही हो, सारे एक दूसरे के साथ लड़ने लग रहे हैं। कुछ समझो इस बात को, तुम्हें उनके प्रति थोड़ा सा समझ लो। ऐसे नहीं है कि वो पेरेंट्स हैं, वो भी तुम्हारे अपने ही हैं। तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे बोलते रहते हो कि पता नहीं किसी पड़ोसियों के साथ लड़ाई चल रही है। वो जो मम्मी है जिसके साथ तुम लड़ते हो, वो तुम्हारी ही मम्मी है, उन्होंने तुमको जन्म दिया है, थोड़ा सा प्यार होना चाहिए। तो अगर वो नहीं करती, तुम करो, और वो बातों में भी होना चाहिए, थोड़ी नरमी से बात करो। वो बात करने का तरीका जो होता है ना, उसमें बहुत उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम गुस्सा तुम्हारा तेज़ है, और तुम भी सुना देती होगी, ज़रा सी बात होती होगी तो तुम भी सुना देती होगी, और बस फिर उनमें भी पेशेंस की कमी हो लड़ पड़ते होंगे। थोड़ा पेशेंस पे काम करो। पेशेंस पे कैसे काम किया जाएगा? बस वो जो बात है उनको, खुद को उनकी जगह पर रख के सोचो कि अगर तुम उनकी जगह पे होती तो तुम कैसे सोचती, कैसे रिएक्ट करती, तुम्हें कैसा लगता। तो बजाय कि रिएक्ट करने के, थोड़ा समझो। समझने से ही समझदार बनोगे। ऐसा नहीं है कि हम तो जैसे मर्जी बिहेव कर रहे हैं, लोगों को परफेक्ट बिहेव करना है, फिर ऐसे तो रोते और तड़पते ही रह जाओगे। समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब 30 साल के बाद तो व्यक्ति को समझदार बनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो आवेश में आके लड़ाई झगड़ा करता है, ये सही नहीं है। 30 साल तक, 25-30 साल तक कोई लड़ता रहे, चलो बचपना होता है, लेकिन 30 के बाद भी ये सब करे तो वो व्यक्ति कहीं भी आदरणीय नहीं होता, उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। व्यक्ति को 30 वर्ष के बाद तो अपने गुस्से पर काबू करना शुरू कर देना चाहिए। और गुस्सा एक आदत है, गुस्सा लड़ाई झगड़ा ये आदत है, आदमी आदतन लड़ने लग जाता है। तो इसको धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान से माइंडफुली सोचो कि मेरे को किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है। अगर मैंने चिल्लाया तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरा भाग्य ख़राब हो जाएगा। और होता ही है, लड़ाई झगड़ा करके कोई किस्मत, कोई शुभ कर्म तो कर नहीं रही, तो भाग्य ख़राब करने वाली बात है ना। और इज्ज़त करवानी है तो इज्जत करनी पड़ेगी। ये कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो, अगर आप इज्जत से बात करोगे, दूसरा चिल्लाएगा नहीं, अगर चिल्लाएगा भी तो फिर भी इतना नहीं चिल्लाएगा जितना आमतौर पर चिल्लाता। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने चिल्ला दिया, मतलब तुम अगर वो तुम्हारे ऊपर कोई चिल्ला रहा है और तुम नहीं चिल्लाए तो लोग सोचेंगे नहीं तो डर गया। लोग सोचते हैं, सोचने तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर कोई पूछेगा तो तुम बोल सकते हो कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई डर गया तभी चुप होता है, कोई इज्जत की वजह से भी चुप होता है। कोई कोई रिलेशन को वैल्यू देता है, ईगो को वैल्यू नहीं देता है। हमारे लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते। समझदार जो लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, क्योंकि उनको बात करना आता है, वो बैठ के शांति से बात करके सुलझा लेते हैं। अब जिनको बात नहीं करना आता ना, वही लड़ते झगड़ते देखे हैं मैंने। तो मैंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी है, खास तौर पर लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लड़कियों को बहुत बात करना नहीं आता है। जहाँ तक, ऐसा नहीं है कि लड़कों को आता, लड़के भी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने लड़कियों में यह चीज़ देखी है कि बहुत शाई और बहुत ही मतलब यू नो चुपचाप रहने वाली लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि फैमिली ने कभी उनको एनकरेज ही नहीं किया होता, उनको खिलने का या खुलने का मौका नहीं दिया रहता, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं कि वो चुप ही रहती हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो ऐसे बोलती हैं, मतलब इतनी चिल्ला के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अरे ऐसी तो बोलती नहीं थी और इतना बोलने लग गई, ऐसे इतनी गंदी तरीके से बोलती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जिसे बात करना आता है, चाहे लड़की भी है, जिसे बात करना आता है, उसे लड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो नॉर्मली बात कर लेगी। अपनी बात कहना आता है, समझाना आता है, समझना आता है, लेकिन चक्कर ये है कि जिसको बात कहना नहीं आता, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, तो लड़का है तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, चीखता चिल्लाता है, लड़की है तो वो रोती है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो लड़का गुस्सा करता है, लड़की रोती है, ये होता है। तो बस बात ये है, अपनी समस्या को समझो। ये फालतू के जो लोग तुमने अपने दोस्त बना रखे हैं, इन्होंने तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देना कभी भी, इनको छोड़ के अपनी सेहत पे ध्यान दो। जो बीमारी है, क्या बीमारी है, अपना फल फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ भिगो के थोड़े थोड़े, और अपना एक्सरसाइज करो, योगा प्राणायाम कर लो, वॉकिंग किया करो। और जो अपने पेरेंट्स, उनकी इज्जत करो, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकते। वो अलग बात है कि उनको अपनी बात नहीं कहना आता या उन्हें समझ नहीं आता कैसे कही जाए, लेकिन वो बुरा नहीं चाहते। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का ऐसे बुरा नहीं चाहता। और अगर तुम्हें जो भी बात है उनसे बैठ के शांति से बात करो, तो शांति से शांति तो होनी चाहिए एटलीस्ट घर में। और जो भी है शादी की बात है तो उन्हें समझा दो कि मुझे शादी कर लूँगी मैं, लेकिन जन्म पत्री मिलवा लो, और मैं उसको ये ज़रूर बताऊँगी मेरी तबीयत ऐसी रहती है, मेरे से काम नहीं होता, और अगर वो तब भी राज़ी हो जाए तो ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और बाकी रही खाने की, तो खाने के लिए लगवा लो किसी को कुछ दिनों के लिए, कोई काम कोई आके बना जाएगी। और तुम्हारा भैया भी तो है, वो भाभी है, भाभी को बुला लो थोड़े दिनों के लिए घर पर,
तो ये तो शांति से बैठ के सॉल्व हो जाती हैं, इन पे भी कोई लड़ने वाली बात है? और अगर कोई लड़ी रहा है तो एटलीस्ट आप रिएक्ट मत करो, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के साथ लड़ाई करते हो, मैंने कितनी बार बताया, अपनी प्लानिटरी पोजीशंस ख़राब करो, आपको तो मुझे किस्मत ही ख़राब लगती है जो इतनी सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वक्त है, ये वक्त हमेशा अच्छा बुरा चलता रहता है। अच्छे कर्म करो, अब पेरेंट्स से ही लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो कर्म किस्मत ख़राब है, कर्म तुम और ख़राब कर रहे हो, अपने भविष्य की किस्मत भी ख़राब कर रहे हो। पेरेंट्स के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं करनी, चाहे वो कितने भी बदतमीज़ क्यों ना हो, तुमको कोई बदतमीज़ नहीं करनी, तुम्हें उनके साथ बदतमीज़ से कोई बात नहीं करनी। जैसे ऊँची आवाज़ में लोग चिल्ला के बात करते हैं, आपको उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करना है। वो अपने किस्मत ख़राब करते करने रहे करते रहें, तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनसे उनका बुध ख़राब होता है। क्योंकि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो बुध प्लैनेट जो होता है वो ख़राब होता है, लेकिन तुम अपने सूर्य और चंद्र ख़राब कर लोगे। सूर्य ख़राब करने से क्या होता है, पिता के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो सूर्य जो है वो तुम्हारा पीड़ित होगा, और जब अपनी मॉम के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो चंद्र पीड़ित होगा। सूर्य पीड़ित, सूर्य तन का कारक होता है, शरीर ख़राब हो जाता है, और जो चंद्र है वो मन का कारक है, डिप्रेशन में चले जाता है। और तुम्हारे साथ दिक्कत यही है कि तन भी पीड़ित है और मन भी पीड़ित है, और पेरेंट्स के साथ लड़ाई करते रहते हो। अगर तुम पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो तो तुम्हारे सूर्य और चंद्र पे के जो बुरे प्रभाव हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, उससे तुम्हारा शरीर भी ठीक होगा और मन भी ठीक होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझो। ये ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी तुम्हारे लिए और तुमने सुन ली, इनको सुनो नहीं, समझने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू। सुनो नहीं।